क्या करते हो, किस क्लास में, कहाँ पर? जरा एक बार फिर ध्यान से सुनिए, ये युवक अपने बारे में क्या बता रहा है। क्या करते हो, किस क्लास में, कहाँ पर? पूरी घटना के बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले एक गंभीर विषय जिस पर सभी को सोचने की जरूरत है। कौन मरा? कौन? प्रदुमन। कहला जा रहे थे हम घोसी में, रोड बनाई से लगा था, हमको तरह घूमने जा रहे। झगड़ा था? नहीं सर, बनाई से पता ना क्या था। नहीं तो मेरा झगड़ा तो मेरे को बात हुआ तब ना। कितना उम्र है प्रदुमन का? कौन बात का झगड़ा है, तुम पहचानते कैसे हो? किस बात का झगड़ा है बताओ। क्या जिन हाथों में कलम होने चाहिए थे उन हाथों में कट्टा है, और ऐसे तुनक मिजाज हैं युवा कि बात बात पर कट्टा निकाल कर गोली चला देते हैं। कोई घायल हो, किसी की जान जाए, इसकी उन्हें रत्ती भर भी परवाह नहीं। ये किस दिशा में जा रहे हैं हम? हमारे युवा रास्ता कैसे भटकते जा रहे हैं और क्या इसका उपाय है? हम चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में अपनी राय जरूर जाहिर करें। अब आपको पूरी घटना के बारे में बताते हैं। मंगलवार को हुई अमंगल घटना। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के इमलिया मोड़ के पास मंगलवार को बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी युवक कालीनगर मोहल्ले का रहने वाला सोनू कुमार बताया जा रहा है। आसपास के लोगों ने उसे इलाज के लिए आनन फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि वो इमलिया मोड़ के पास अपने साथियों के साथ घूम रहा था। इसी बीच आपस में किसी बात को लेकर एक लड़के से विवाद हुआ। उस लड़के ने आओ देखा ना ताओ विवाद के बीच कमर से देसी कट्टा निकाला और जान मारने की नीयत से गोली चलाई, ऐसा पीड़ित का कहना है। इधर थानाध्यक्ष रवि भूषण ने घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल में पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू की। उन्होंने बताया कि युवक का इलाज जरूरी था, इसलिए उसे फौरन पटना भेजा गया है, जिसके कारण पुलिस उसका बयान अभी नहीं ले सकी है। वहीं घटनास्थल पर जांच पड़ताल करने पर पता चला कि सभी लोग साथ ही थे। अचानक एक युवक से विवाद हुआ और उसने कट्टा निकालकर गोली मार दी, जिससे एक युवक जख्मी हो गया। वहीं शुरुआती जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को जो जानकारी मिली है उसी के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पीड़ित ने जिस युवक द्वारा गोली चलाए जाने की बात कही गई, पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। वहीं जख्मी युवक के बयान के लिए एक पुलिस पदाधिकारी को पटना भी भेजा जा रहा है। बयान मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जहानाबाद न्यूज के लिए अनीश की रिपोर्ट। आवाज हुआ, उसके बाद हम काउंटर के ऊपर जाकर बैठ गए। कितना राउंड आवाज हुआ था? वही चार पाँच। चार पाँच राउंड? हाँ। तो किस तरह का आवाज? जैसे पड़ाका छूटा है उस तरीका से। तो बाद में क्या देखे? नहीं कुछ नहीं देखे, उधर वाला उधर भागा, इधर देखे क्या आदमी, इधर हम तो अंदर बैठ गए, तो जहाँ गोली चल रहा वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब तो आप अपने सुरक्षित ना देखे हैं। क्या राउंड हुआ था आवाज? चार पाँच ऐसी सुने। अच्छा, तो किसी को लगा भी था? देखे नहीं सर कि लगा या नहीं। तो कितने के संख्या में था लोग लगभग? लगता है बाइक से एक दो वो था इसी। हाँ, किधर भागा? इस तरफ निकला है इसी, तो आवाज़ करते निकला है।